हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। अप्रैल 2022 तक का आपको अपडेट मिलेगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं सारे इस टॉपिक में कवर हो जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, फ्री ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस जरूर कर दें। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज के इस वीडियो में हमने 50 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करवाए हैं और लास्ट में हम रिवीजन भी करवाएंगे ताकि हम जितने भी प्रश्न कवर करेंगे सारे उत्तर हमें याद हो जाएँ। सबसे पहले प्रश्न से पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बना है? देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, केरल। केरल जो राज्य है यह कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य है, याद रखिएगा केरल राज्य। अगला सवाल है, हाल ही में किस सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, हाल ही में किस सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? सही उत्तर हो जाएगा इसका, असम सरकार। असम सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। अगला सवाल है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस प्रदेश में लगेगा? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल, सही उत्तर हो जाएगा इसका, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र लगेगा। अगला सवाल है, कौन सा वेटलैंड तमिलनाडु का सोलवा पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल, जो वेटलैंड से रिलेटेड सवाल होते हैं, रामसर साइट से रिलेटेड, उनको पूरा ज़रूर कवर करिएगा क्योंकि काफ़ी सालों से ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते आ रहे हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका, काजू वैली। काजू वैली वेटलैंड तमिलनाडु का सोलवा पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। अगला सवाल है, उत्तराखंड का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, अस्कॉट। अस्कॉट वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड का है, इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। अगला सवाल, किस जगह को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल, सही उत्तर हो जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। अगला सवाल, कौन सा शहर रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बना है? सही उत्तर हो जाएगा इसका, वाराणसी। वाराणसी जो शहर है यह रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बना है। भारत में पहले क्या हुआ है इसके ऊपर भी काफ़ी सारे सवाल बनते हैं। अगला सवाल है, पूर्ण नवीकरणीय पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, सही उत्तर हो जाएगा इसका, एचएसबीसी इंडिया। पूर्ण नवीकरणीय पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड एचएसबीसी इंडिया ने लॉन्च किया है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने किस राज्य के नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। देखिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है। अगला सवाल, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? सही उत्तर क्या होगा इसका, इंदौर। मध्य प्रदेश का इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है, इंदौर। अगला सवाल, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ खुला है? सही उत्तर हो जाएगा इसका, रानीखेत उत्तराखंड में। रानीखेत उत्तराखंड में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खुला है। अगला सवाल है, हाल ही में परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ हीरोज गार्जियन अवार्ड 2021 जीता है, जिसे किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो नेटवेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ खोला गया? कहाँ पर खोला गया है
यह उत्तराखंड के रानीखेत में खोला गया है। कहां पर? उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी खोली गई है। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा उद्यान सैटेलाइट से लेस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर है इसका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम का, जो एक सिंह के गेंडे के लिए फेमस है, यह सैटेलाइट से लेस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है। अगला सवाल है, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा इसका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य है छत्तीसगढ़। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान देश का 53वां तथा छत्तीसगढ़ का 4वां टाइगर रिजर्व बन गया है? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। अभी तक 52 थे, अब कितने हो चुके हैं? 53 हो चुके हैं। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो छत्तीसगढ़ का 4वां टाइगर रिजर्व बना है। क्या नाम है इसका? गुरु घासीदास। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का 53 तथा छत्तीसगढ़ का 4वां टाइगर रिजर्व बन गया है। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य को भारत का 52वां तथा राजस्थान का 4वां टाइगर रिजर्व बाघ्य अभ्यारण्य बन गया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर है इसका रामगढ़ विश्वधारी। याद रखिएगा, जो ये वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं, टाइगर रिजर्व्स होते हैं, इनके नाम आपको याद रखना है कौन से राज्य में आते हैं। इनके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, प्रश्न एक और बार कवर करते हैं। रामगढ़ विश्वधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को भारत का 52 तथा राजस्थान का 4वां टाइगर रिजर्व बाघ्य अभ्यारण्य बनाया गया है। अगला सवाल देखिएगा, हाल ही में तमिलनाडु के कोवलम तथा पुदुचेरी के इडैन तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। भारत में ऐसे तटों की संख्या कितनी हो गई है? कितने तट इस तरह के हो चुके हैं? 10। याद रखिएगा, कितने? 10, है ना। देखिए, तमिलनाडु के कोवलम तथा पुदुचेरी के इडैन तट को, कौन से दो तट हैं? तमिलनाडु के कोवलम तथा पुदुचेरी के इडन तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है, और भारत में ऐसे तटों की संख्या 10 हो गई है। अगला सवाल है, हाल ही में उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में मगरमच्छ की कितनी प्रजाति मिली हैं? इस तरह के सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर है 3। 3 मगरमच्छों की प्रजाति मिली है। कहाँ पर? उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में मगरमच्छ की 3 प्रजातियां मिली हैं। अगला सवाल है, कछुआ संरक्षण में किस जीव विज्ञानी ने ग्लोबल अवार्ड जीता है? महत्वपूर्ण सवाल। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी वाला, शैलेंद्र सिंह नाम है इनका। कछुआ संरक्षण में शैलेंद्र सिंह, यह जीव विज्ञानी है, इन्होंने ग्लोबल अवार्ड जीता है। अगला सवाल है, हाल ही में असम के किस वन्य जीव अभयारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? असम का वन्य जीव अभयारण्य है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही उत्तर है दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण। हाल ही में असम के दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। अगला सवाल है, एनटीपीसी गुजरात के कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा कितने मेगावाट का अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका 4750 मेगावाट। ठीक है, देखिए, एनटीपीसी गुजरात के कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा 4750 मेगावाट का अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित करने जाएगा। अगला सवाल है, विश्व का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ प्लांट को कहाँ में लगाया गया है? महत्वपूर्ण सवाल है यह। सही उत्तर है इसका, इसका सही उत्तर है असम। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? असम, गुवाहाटी असम में। विश्व का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ प्लांट गुवाहाटी असम में लगाया गया है। अगला सवाल है, अफ्रीकी के किस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। सही उत्तर हो जाएगा इसका बोत्सवाना। अफ्रीका के किस देश में, बोत्सवाना देश में, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? अगला सवाल है,
न्यूजीलैंड के किस प्रधानमंत्री के नाम पर एक विशाल उड़ान रहित किट की नई प्रजाति को हेमी एंड्रूस जेसिंडा नाम दिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा जेसिंडा आर्डन। जेसिंडा आर्डन के नाम पर एक विशाल उड़ान रहित किट की नई प्रजाति को हेमी एंड्रूस जेसिंडा नाम दिया गया है। अगला सवाल है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक तापमान में वर्ष 2100 तक कितने डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो जाएगी? 2100 तक कितने डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी, कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर संस्था के रिपोर्ट के अनुसार कितना बढ़ जाएगा? तो सही उत्तर होगा इसका 2.4 डिग्री सेल्सियस। इतना तापमान अभी 80 सालों बाद बढ़ जाएगा। ठीक है, किसकी रिपोर्ट के अनुसार? क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर संस्था के रिपोर्ट के अनुसार। अगला सवाल, भारत अमेरिका के वैज्ञानिकों ने झाड़ी मेंढकों की कितनी प्रजाति खोजी है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, 5। कितनी प्रजाति खोजी है? 5। भारत अमेरिकी के वैज्ञानिकों ने झाड़ी मेंढकों की 5 प्रजातियां खोजी हैं। अगला सवाल है, भारत के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ पे किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका रानीखेत में। कहाँ पर? रानीखेत। रानीखेत कहाँ पर है? उत्तराखंड में। भारत के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन रानीखेत में किया गया है। अगला सवाल है, MACS 1407 भारतीयों द्वारा विकसित किस फसल की एक नई किस्म है? सही उत्तर हो जाएगा सोयाबीन की एक यह नई किस्म है। MACS 1407 भारतीय द्वारा विकसित सोयाबीन की एक नई किस्म है। अगला सवाल देखिएगा, भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ में स्थापित किया गया? कहाँ पे स्थापित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, सही उत्तर हो जाएगा इसका चेन्नई। सही उत्तर क्या है इसका? चेन्नई में भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर? चेन्नई में। अगला सवाल है, कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का 51 या एवं तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व बना है? 51वां, ठीक है, 51वां लिखा है यहाँ पर, 51वां है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है इसका श्री विल्लीपुथूर मेगा मलाई। इसका नाम है श्री विल्लीपुथूर मेगा मलाई। यह भारत का 51वां एवं तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व बना है। देखिए, टाइगर रिजर्व काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इनके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाई है, ताकि आप लोगों को यहाँ से अगर प्रश्न एग्जाम में बने तो आप सही कर सकें। अगला सवाल है, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर थीम के साथ चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन UNO एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश के द्वारा किया गया? महत्वपूर्ण सवाल है, सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, देखिए, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर थीम के साथ चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन UNO एवं विश्व बैंक के सहयोग के साथ फ्रांस द्वारा किया गया। अगला सवाल है, तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी? देखिए, 12,852 हो गई है, जिसमें सर्वाधिक तेंदुओं के साथ कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, सही उत्तर है इसका मध्य प्रदेश। सही उत्तर क्या होगा इसका? मध्य प्रदेश। अगला सवाल देखिएगा, वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर चीन का होटेन है। कौन सा है? चीन का होटेन। और कौन सा दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है? सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का। देखिए, वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर, याद रखिएगा, चीन का होटेन है। और कौन सा दूसरा सबसे प्रदूषित है शहर? तो गाजियाबाद, जो उत्तर प्रदेश में है। अगला सवाल है, हाल ही में COP26 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर हो जाएगा इसका ग्लासगो यूके में
COP26 सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला सवाल है, देखिए ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण सम्मेलन होते हैं यह भी आपको कवर करने हैं, यहाँ से सवाल सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश तथा सबसे कम प्रदूषित देश प्यूरोटो रिको है, जबकि भारत का स्थान क्या है? सही उत्तर होगा इसका तीसरा। भारत देश का क्या स्थान है? तीसरा स्थान है। देखिए हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश तथा सबसे कम प्रदूषित देश कौन सा है, याद रखेगा प्यूरोटो रिको है, जबकि भारत का तीसरा स्थान रहा है इसमें। अगला सवाल, हाल ही में मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? किसके द्वारा मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट जारी की गई है? सही जवाब होगा यूएनडीपी द्वारा। यूएनडीपी द्वारा हाल ही में मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट जारी की गई। अगला सवाल है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में किस राज्य की वाटर बरियल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा इसका, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, अरुणाचल प्रदेश, है ना। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में अरुणाचल प्रदेश राज्य की वाटर बरियल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया। अगला सवाल, हाल ही में भारत का पहला परागकण पार्क किस राज्य में खोला गया है? सही उत्तर क्या होगा इसका, इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। सही उत्तर क्या होगा, उत्तराखंड। हाल ही में भारत का पहला परागकण पार्क उत्तराखंड राज्य में खोला गया है। अगला सवाल है, कौन सा पहला पक्षी महोत्सव बिहार के जमुई जिले में स्थित नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में आयोजित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि यह पहला पक्षी महोत्सव है, नाम है इसका कलरव। क्या नाम है? कलरव। पहला पक्षी महोत्सव कलरव बिहार के जमुई जिले में स्थित नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में आयोजित किया गया। देखिए आप क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करते हैं ताकि आपको यहाँ पर भी याद हो जाए। अगला सवाल है, समुद्री शैवाल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही उत्तर है इसका तमिलनाडु। समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जाएगा। अगला सवाल, वन्य जीव संरक्षण के लिए लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता है? किसने जीता है? यह जीता है, नाम याद रखेगा, थियोडोर बास्करन। देखिए वन्य जीव संरक्षण के लिए लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 थियोडोर बास्करन नाम है इनका, थियोडोर बास्करन ने जीता है। अगला सवाल है, अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा इसका लक्षद्वीप। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, देखिए अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन लक्षद्वीप, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर किया गया। अगला सवाल, अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही उत्तर है इसका महाराष्ट्र में किया जाएगा। अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में किस वर्ष को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, सही उत्तर हो जाएगा इसका, सही उत्तर है इसका वर्ष 2020 को, है ना। हाल ही में वर्ष 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया है। अगला सवाल है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? हिम तेंदुआ, सही उत्तर हो जाएगा इसका, सही उत्तर है उत्तराखंड। याद रखिएगा, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। अगला सवाल, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया? या बिहार के पटना में खोला गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, देखिए याद रखिएगा, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार के पटना में खोला गया है। अगला सवाल, भारत का प्रथम लाइकेन पार्क किस राज्य के मुनस्यारी में स्थापित किया गया? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सही उत्तर है उत्तराखंड। भारत का प्रथम लाइकेन पार्क उत्तराखंड के मुनस्यारी में स्थापित किया गया है। अगला सवाल देखिएगा, यूएनओ द्वारा किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र पारितंत्र पुनर्स्थापन दशक घोषित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, सही उत्तर हो जाएगा 2021-30।
ठीक है, 2021 से 2030 यूएनएस द्वारा किस वर्ष को, 2021 से 2030 को संयुक्त राष्ट्र पारितंत्र पुनर्स्थापन दशक घोषित किया है। अगला सवाल है, कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत करने वाला देश है? महत्वपूर्ण सवाल, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर है इसका भारत। कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत करने वाला देश है? तो भारत देश है। अगला सवाल है, ONGC किस राज्य में भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना शुरू करेगी? सही उत्तर है इसका लद्दाख। लद्दाख में है ना, ONGC लद्दाख में भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना शुरू करने वाली है। देखिए अब हम रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन पार्ट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अभी तक हमने जितने प्रश्न किए हैं उसमें से बहुत सारे उत्तर अब आपको याद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, कौन सा राज्य कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बना है? सही उत्तर हो जाएगा इसका केरल। सही उत्तर क्या है? केरल। अगला है, हाल ही में किस सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? असम सरकार ने। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस प्रदेश में लगेगा? मध्य प्रदेश में लगेगा। अगला सवाल, कौन सा वेटलैंड तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित हुआ है? काजू वैली पक्षी अभयारण्य। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, उत्तराखंड का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ है? तो नाम है इसका अस्कॉट। अगला सवाल है, किस जगह को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? श्रीनगर को। अगला सवाल है, कौन सा शहर रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बना है? वाराणसी बना है। पूर्ण नवीकरणीय PVC प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? HSBC इंडिया ने लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने किस राज्य के नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली गाँव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव चुना है? तेलंगाना को। अगला सवाल है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? मध्य प्रदेश का इंदौर। अगला है, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ खुला है? रानीखेत उत्तराखंड में खोला गया है। अगला, हाल ही में परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 जीता है जिसे किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो नेट वेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया था। अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड के रानीखेत में। कौन सा उद्यान सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल है, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य है। हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान देश का 53वां तथा छत्तीसगढ़ का 4वां टाइगर रिजर्व बना है? याद रखेगा, छत्तीसगढ़ स्थित गुरु घासीदास। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान का 4वां टाइगर रिजर्व बाघ अभयारण्य बन गया है, घोषित किया है? तो सही उत्तर होगा रामगढ़ विश्वधारी। अगला सवाल है, हाल ही में तमिलनाडु के कोवलम तथा पुदुचेरी के इडेन तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। भारत में ऐसे तटों की कितनी संख्या हो गई है? 10 तट हो चुके हैं। अगला सवाल है, हाल ही में ओडिशा के केंद्रपाड़ा में मगरमच्छ की कितनी प्रजातियां मिली हैं? 3 प्रजातियां मिली हैं। अगला सवाल है, कछुआ संरक्षण में किस जीव वैज्ञानिक ने ग्लोबल अवार्ड जीता है? इनका नाम है शैलेंद्र सिंह, इन्होंने जीता है। अगला सवाल देखिएगा, हाल ही में असम के किस वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य है असम का, इसको पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। भारत की किस सबसे बड़ी तेल कंपनी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनेगा? याद रखेगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC मथुरा रिफाइनरी में। देखिए एक और बार, भारत की किस सबसे बड़ी तेल कंपनी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनेगा? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC मथुरा रिफाइनरी में बनेगा। अगला सवाल है, NTPC गुजरात के कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा कितने मेगावाट का अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा? 4750 मेगावाट का। विश्व का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ प्लांट को कहाँ लगाया गया है? कहाँ पे लगाया गया है? तो गुवाहाटी असम में लगाया गया है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है, अफ्रीकी के किस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? बोत्सवाना में मिला है।
अगला सवाल है, न्यूजीलैंड के किस प्रधानमंत्री के नाम पर एक विशाल उड़ान रहित किट की नई प्रजाति को हैमी एंड्रूस जेसिंडा नाम दिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा इसका जेसिंडा आर्न। अगला सवाल है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक तापमान में वर्ष 2100 तक कितने डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो जाएगी? 2.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा अभी से ठीक 80 साल बाद। देखिए, भारत अमेरिका के वैज्ञानिकों ने झाड़ी मेंढकों की कितनी प्रजातियां खोजी है? 5 प्रजातियां खोजी है। अगला सवाल है, मेघालय के पास किस डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं? सोरोपोड, याद रखिएगा, सोरोपोड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं कहाँ? मेघालय के पास। अगला सवाल है, भारत के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? रानीखेत में किया गया है। अगला सवाल है, MACS 1407 भारतीय द्वारा विकसित किस फसल की एक नई किस्म है? सोयाबीन की एक यह नई फसल है, यह नई किस्म है, ठीक है, याद रखिएगा। जो सोयाबीन है, वैसे तरह तरह की किस्म की आपको फसलें मिल जाएंगी, तो इसी तरह से सोयाबीन की एक नई किस्म निकाली गई है जिसका नाम है MACS 1407। ठीक है, भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? याद रखिएगा, चेन्नई में। अगला सवाल है, कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का 51 तथा तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व बना है? सही उत्तर होगा इसका श्री विल्लीपुतुर मेघामलाई। अगला सवाल है, मीठे पानी की छोटी मछली सिस्तुरा हिरण्यकेशी किस राज्य में खोजी गई है? महाराष्ट्र राज्य में खोजी गई है। अगला है, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर थीम के साथ चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन UNO एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश के द्वारा किया गया है? फ्रांस। अगला सवाल है, तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या 12852 हो गई है, 12852 हो गई है, जिसमें सर्वाधिक तेंदुओं के साथ कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर चीन का है होटेन, और कौन सा दूसरा सबसे प्रदूषित शहर की बात हो रही है? तो सही उत्तर हो जाएगा गाजियाबाद, जो उत्तर प्रदेश का है। अगला सवाल है, हाल ही में COP26 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ग्लासगो UK में किया गया है। अगला देखिएगा, अगला सवाल है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश तथा सबसे कम प्रदूषित देश प्यूर्टो रिको है, जबकि भारत का स्थान तीसरा है। हाल ही में मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट किसके द्वारा यह रिपोर्ट दी गई है? तो UNDP द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। अगला सवाल है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में किस राज्य की वाटर बरियल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? यह अरुणाचल प्रदेश की फिल्म है। अगला सवाल है, देहिंग पटकाई असम का 7वां तथा रायमोना 6वां राष्ट्रीय उद्यान बना है? याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, देहिंग पटकाई असम का 7वां तथा रायमोना 6वां राष्ट्रीय उद्यान बना है असम का, ना? हाल ही में भारत का पहला परागकण पार्क किस राज्य में खोला गया है? उत्तराखंड में खोला गया है। अगला सवाल है, कौन सा पहला पक्षी महोत्सव बिहार के जमुई जिले में स्थित नागी नकटी पक्षी अभ्यारण में आयोजित किया गया? महत्वपूर्ण सवाल रहेगा यह आपके एग्जाम के लिए, कलरव पक्षी महोत्सव, ठीक है, यह पहला पक्षी महोत्सव है जो बिहार के जमुई जिले में स्थित नागी नकटी पक्षी अभ्यारण में आयोजित हुआ था। अगला है, समुद्री शैवाल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में किया जाएगा। वन्य जीव संरक्षण के लिए लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता है? थियोडोर बास्करन ने जीता है। अगला है, अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। अगला सवाल है, अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल कहाँ स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में। हाल ही में किस वर्ष को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया है? वर्ष 2020 को किया है। अगला है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। अगला है, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? बिहार के पटना में खोला गया है, याद रखेगा। भारत का प्रथम लाइकेन पार्क उत्तराखंड के मुनस्यारी में स्थापित किया गया है, यह पॉइंट भी याद रखेगा। अगला है,
यूएनओ द्वारा किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र पारितंत्र पुनर्स्थापन दशक घोषित किया है? 2021 और 30, ठीक है, 2021 से 30 को घोषित किया है। अगला है, कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत करने वाला देश है? भारत देश है। अगला है, ONGC किस राज्य में भारत की पहली भूतापी ऊर्जा परियोजना शुरू करेगी? लद्दाख में। ONGC किस राज्य भारत की पहली भूतापी ऊर्जा परियोजना शुरू करेगी? लद्दाख में। अगला है, लास्ट पॉइंट है, केरल के पेरियार बाघ अभयारण्य में खोजी गई चींटी का नामकरण ओकेरिया जोशी प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर किया गया है? महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए केरल का है पेरियार बाघ अभयारण्य, कौन से राज्य का है पेरियार बाघ अभयारण्य, केरल का है, इसमें खोजी गई जो चींटी है इसका जो नामकरण किया गया है यह ओकेरिया जोशी प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर किया गया है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, जितने भी महत्वपूर्ण सवाल थे यह करंट अफेयर से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, आप इस वीडियो को एक से दो बार ज़रूर पूरा कवर करिएगा क्योंकि 100% चांसेस है कि यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाए। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और काफ़ी डिमांड में रहता है यह टॉपिक क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। वीडियो अगर पसंद आती है या फिर थोड़ी सी भी हेल्पफुल अगर आपको लगी है और रिविजन वाला पार्ट अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल प्रेस कर दें।